चिलचिलाती गर्मी में शहर में पेयजल को लेकर मचा त्राहिमाम। शहर के सभी 8 वार्डों में लोगों की बड़ी मुश्किलें। स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था भी भगवान भरोसे। व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए छावनी परिषद की ओर से नहीं दिया जा रहा है ध्यान। यदि छावनी परिषद पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य नहीं करती है तो होगा आंदोलन। शहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिससे शहरवासी बेहाल है। इस चिलचिलाती गर्मी में शहर के सभी 8 वार्डों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे लोगों की मुश्किल काफ़ी बढ़ गई है। पेयजल के साथ साथ शहर के झंडा चौक में स्ट्रीट लाइट भी बेकार पड़ा हुआ है। वहीं शहर की नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं, जिससे पानी की निकासी नहीं होने के कारण से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। इस संबंध में पूर्व वार्ड आयुक्त एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण कुमार सिन्हा ने रविवार को कहा कि शहरवासियों से छावनी परिषद द्वारा पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट के लिए नियमित रूप से टैक्स की वसूली की जाती है, लेकिन वहीं जब लोगों को सुविधा देने की बात आती है तो छावनी परिषद इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। उन्होंने कहा कि पिछले अप्रैल माह से शहर के पुराना शांति सिनेमा हॉल से लेकर झंडा चौक तक बने सार्वजनिक वाटर पोस्टों पर पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। साथ ही पेयजल के लिए लोगों के घरों में लगे कनेक्शन में भी पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। अरुण सिन्हा ने आगे कहा कि पहले गर्मी के मौसम में छावनी परिषद की ओर से शहर के सभी 8 वार्डों में टैंकरों की मदद से पेयजल की आपूर्ति की जाती थी ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन वर्तमान समय में छावनी परिषद इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अरुण कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि अब छावनी परिषद की ओर से साफ सफाई के कार्य को ठेके पर दे दिया गया है। ठेकेदार शहर की साफ सफाई को लेकर गंभीर नहीं होते हैं, जिससे शहर में जहां तहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं शहर की नालियों की साफ सफाई पर छावनी परिषद ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि छावनी परिषद के द्वारा पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने सहित लोगों की अन्य समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोग आंदोलन करने को विवश होंगे। रामगढ़ से काली सिंह की रिपोर्ट। छावनी परिषद का यहाँ बहुत ज्यादा मनमानी हो गया। आज 3 महीना से गोला रोड में स्ट्रीट लाइट बंद है, जबकि टैक्स के साथ में स्ट्रीट लाइट का पैसा लिया जाता है। इतना परसेंटेज जोड़ के स्ट्रीट लाइट जो जलता है उसका पैसा लेता है टैक्स में, हाउस टैक्स में। उसके बाद पानी का टैक्स लगता है, जो वाटर पोस्ट टैक्स है, जो वाटर पोस्ट का जो बना हुआ है वाटर सप्लाई का, उसमें आज वाटर सप्लाई आज 1 महीना 1.5 महीना से 1 बूंद पानी नहीं आ रहा गर्मी का। 200 बार उसके ऑफिस में कंप्लेन किया गया, आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, भेजेंगे ठीक कर देंगे, आज तक नहीं कर रहा। उसके बाद चापाकल ऐसा बना के जाता हर 2 रोज 1 रोज में खराब होगा, जबकि इतना प्रचंड गर्मी में अप्रैल से ही टैंकर के द्वारा सभी वार्डों में 8 वार्ड में पानी का सप्लाई होता था, आज किसी वार्ड में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा। किसी वार्ड में कोई भी जगह पर पानी का बहुत त्राहिमाम है, जितना कुआं सूख गया है, जितना ये चापाकल है उसमें पानी जलस्तर नीचे चल गया है, मगर किसी प्रकार का उसको ध्यान नहीं है कि रामगढ़ की जनता को पानी मिले। जबकि छावनी क्षेत्र का ये है कि जनता को हम करें टैक्स, इतना ज़्यादा बढ़ोतरी होने के बाद भी आज लाइट का व्यवस्था इतना खराब है, पानी का व्यवस्था खराब है, किसी प्रकार का कोई फैसिलिटीज नहीं है। आज नाली गंदगी उसी तरह का है, झाड़ू देने वाले को ठीका दे दिया गया है, उसका कोई देखने वाला माई बाप नहीं है। पहले उसका इंस्पेक्टर आता था, देखता था, चेक करता था कि किस एरिया में स्लीपर क्या कर रहा है। इसलिए छावनी परिसर से मांग करते हैं, प्रचंड गर्मी में रामगढ़ वासियों को जिंदा रखना है, गरीबों को जिंदा रखना है, तो पानी का वाटर सप्लाई टैंकर के द्वारा सप्लाई कीजिए। और गोला रोड में शांति सिनेमा हॉल के इधर से लेके वो
झंडा चौक के एरिया में पानी की सप्लाई एकदम वाटर पोस्ट में सप्लाई नहीं है, साथ ही साथ घरों में जो कनेक्शन लिए है उनको भी पानी नहीं मिल रहा है, मगर उसका वाटर टैक्स उनको जोड़ के साल में एक बार भेज देंगे। 120 था, अभी 150 शायद किए हैं, मगर वाटर टैक्स लग नहीं है। तो ये सब अगर हम दे रहे हैं तो उसका परसेंटेज कंटेनमेंट बोर्ड को देना चाहिए, इसलिए मांग करते जाते शीघ्र इस पर छावनी परिषद ध्यान दे के इस काम को पूरा करें, और नहीं तो जनता आंदोलन करेगी इसके लिए। ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज प्राइवेट आईटीआई पतरातु रामगढ़ झारखंड। नामांकन सूचना। भारत सरकार एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फीटर मैकेनिक डीजल वेल्डर GMAW एंड GTAW। हमारे यहाँ छात्रावास एवं छात्रवृत्ति सुविधा, 100% प्लेसमेंट की सुविधा, यशस्वी शिक्षा और कौशल विकास योजना के तहत छात्राओं को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। हमारा मोबाइल नंबर 8 7 6 7 0 7 9 9 7 3 4 9 6 9 6 9 6 1 8 0 0 9 6 8 2 9 4 1 2 8 7 2 7।